तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर के म्यूजिक क्लासेज में। दोस्तों, हारमोनियम पर कोई भी गाना खुद से निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है स्वर ज्ञान, और स्वर ज्ञान का ही आज का ये हमारा लेसन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आपको कुछ सीखने को मिल सके। सबसे पहले अगर हम स्वरों की बात करें तो सी सर्व पहली काली से सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी और तान सप्तक का सा। तो भारतीय संगीत पद्धति के अनुसार ये थाट बिलावल के स्वर है। तो थाट बिलावल के स्वरों पे हम स्वर ज्ञान सीखेंगे, और स्वर ज्ञान सीखने के लिए मैं एक सरगम आपको बताऊंगा जिसका आपको रियाज करना है। अगर इस सरगम का आप रेगुलरली रियाज करते हैं, इसका हम आकार, हमिंग और लाकार में रियाज करेंगे, तो आप आसानी से स्वर ज्ञान को सीख पाएंगे। इस सरगम को मैं आपको बिलावल थाट में बता रहा हूँ, लेकिन आपको बिलावल कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी और भैरवी इन छह थाटों में रियाज करना है। क्योंकि दोस्तों, इन छह थाटों में अगर आप ये रियाज कर लेते हैं तो आपके शुद्ध, कोमल और तीव्र सभी 12 स्वरों का रियाज हो जाएगा, और इन 12 स्वरों से बाहर दुनिया का कोई भी गाना होता नहीं है। तो जो सरगम है वो कुछ इस प्रकार से है। स्वर से होती है, रैसे हम देखेंगे तो बाद में गा स्वर से आपको आकार, हमिंग और लाकार में भी आपको रियाज करना है। मा स्वर से कैसे होगा, मा पा सा नी, मा पा नी धा, मा पा धा पा, मा पा मा। उसके बाद में पा स्वर से, पा से पा धा रे सा, पा धा रे सा, पा धा सा नी, से देखे तो धा नी गा रे, धा नी रे सा, धा नी सा नी, धा नी गा,
धानी गारे धानी रे सा धानी सानी धानी धा धानी गारे धानी रे सा धानी सानी धानी धा। इसके बाद में वापस सारे पामा दोस्तों आपको ये रियाज करना है। छह थाटों में आपको ये रियाज करना है। छह थाटों में जब आप ये रियाज कर लेंगे तो आपके 12 स्वरों का रियाज कंप्लीट हो जाएगा और इन 12 स्वरों से बाहर दुनिया का कोई गाना होता नहीं है। तो कैसा लगा आज का लेसन कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।